पॉलीथिन प्रतिबंध के दूसरे दिन नगरपालिका ने सख्ती दिखाई। शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर नगरपालिका अमले ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई। नगरपालिका सीएमओ प्रियंका पटेल के साथ अमला घाटी जिन परिसर पहुंचा, यहां फकरी स्टोर के गोदाम से तकरीब 2.5 लाख की प्रतिबंधित पॉलीथिन, थर्माकोल बॉक्स के अलावा ज्वलनशील एसिड जब्त किया गया। इसके अलावा नगरपालिका टाउन हॉल के सामने, बस स्टैंड परिसर, जवाहर मार्ग आदि स्थानों पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथिन व थर्माकोल के प्रयोग की रोकथाम को लेकर छापेमारी की गई। इस दौरान दुकानदारों के पास पॉलीथिन, प्लास्टिक व थर्माकोल से बनी सामग्री जब्त की। नगरपालिका अधिकारी प्रियंका पटेल ने बताया कि शहर की एक दर्जन से अधिक दुकानों का निरीक्षण करके लाखों रुपए से अधिक पॉलीथिन और अनमानक प्लास्टिक की सामग्री जब्त की है। उन्होंने कहा कि घर से बैग झोला लेकर जरूर निकलें। पॉलीथिन और इनको थर्माकोल को लेकर जो है प्रतिबंधित की गई थी कल, और आज एक बड़ी कार्रवाई की गई नगर पालिका द्वारा। किस प्रकार की इसमें कार्रवाई की गई और कितने का माल इसमें जब्त किया? 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे पूर्णतः प्रतिबंधन है। इसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, जन जागरूकता भी हम लोगों ने की, सबको बताने की कोशिश की कि ना उपयोग करने वाले उपयोग करें और ना देने वाले और बेचने वाले इसको बेचें। इसी को लेके अब हमारा IEC करने का जो सूचना देने का लोगों को समय था वो समाप्त होके आज से जो है हमने कार्रवाई करना शुरू की है। और अभी भी मेरे सभी से अपील है कि अपने घरों से जब भी निकलें तो आप अपना थैला स्वयं लेके चले साथ में। आपको मार्केट में प्लास्टिक नहीं मिलेगी अब, और किसी को भी कहीं प्लास्टिक अगर कोई यूज़ करते मिलता है तो हमें सूचना दें। आज जो है हम लोगों ने अभी सुबह से 4-5 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। इनमें ज़्यादातर हमारे वो लोग थे जो थोक का काम कर रहे थे प्लास्टिक और डिस्पोजेबल को लेके। इसमें सिंगल यूज़ जो कप्स रहते हैं, प्लेट्स रहती हैं, स्पून्स रहती हैं, थर्माकोल के जो यूज़ कर रहे हैं वो हम लोगों ने आज यहाँ पे कार्रवाई की है, और लगभग हमें अभी तक 2.5 से 3 लाख रुपए का माल मिला है। जी बिल्कुल, अमानक एसिड जो बिना लाइसेंस के बिक्री हो रही थी वो भी हमें मिला है आज। किस प्रकार की कार्रवाई होगी इसमें? हम लोगों ने इन पे चालानी कार्रवाई की है, और जैसे ये बड़ी दुकान है, गोडाउन है इनका, तो ये हम सील करेंगे। मैम ये एसिड कितना लीटर होगा? एसिड आराम से आपका 60 लीटर है। ये क्या खतरनाक माना जाता है? बिल्कुल, और बिना लाइसेंस से कोई इसको बेच नहीं सकता है, इसका प्रकरण अलग से पंजीबद्ध होगा। हरगोन से UD News के लिए सलाम अंसारी।